हेलो एंड जय हिंद. वी हैव सीन इन द फर्स्ट टू पार्ट्स द एस्ट्रोलॉजर एंड हिज डिफरेंट एक्टिविटीज, हाउ ही अर्न्ड हिज लाइवलीहुड, ये भी हमने देखा. और उसके बाद सेकेंड पार्ट के लास्ट में हमने देखा कि एक दिन की घटना है. ही वॉज अबाउट टू कलेक्ट ऑल हिज पैराफर्नेलिया एंड देयर केम अ मैन. फिर वो आदमी और उसके अंदर एक चैलेंज लग जाता है कि अगर वो आदमी एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी से संतुष्ट नहीं होता है तो जितना पैसा, मतलब 8 आना वो देने वाला था, तो उसका डबल मतलब 16 आने एस्ट्रोलॉजर ने उसको देना, ऐसा फिक्स हो गया था. तो जब एस्ट्रोलॉजर उसका चेहरा देखता है तो वो उस पूरे डील में से अपने आप को बाहर निकालने का सोचता है. लेकिन वो जो आदमी था वो पक्का था और वो बोलता है कि मैं जाने नहीं दूंगा, डील इज डील, चैलेंज इज चैलेंज, तुमको बताना पड़ेगा. और वो फिर से शुरू करता है कि देयर इज अ वुमन वगैरह वगैरह, जो हमेशा करता है. लेकिन आगे क्या होता है वो हम देखेंगे. स्टॉप, सेड द अदर, आई डोंट वॉन्ट ऑल दैट. शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट, दैट वॉज द क्वेश्चन. क्लियर है, क्या मैं मेरे इस सर्च में सक्सेसफुल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, बताओ. ही सेड answer this and go, otherwise I'll not let you go till you disgorge all your coins. तो तुमको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा तभी मैं तुमको जाने दूंगा, नहीं तो मैं तुमको तब तक जाने नहीं दूंगा until you disgorge. Disgorge मतलब surrender, produce मतलब निकाल देना. तुम जब तक तुम्हारे सारे coin मुझे नहीं देते, तुम सारे कॉइन मेरे सामने खाली नहीं करते, तब तक मैं जाने नहीं दूंगा. सवाल का जवाब दो और जाओ, ऐसा उसका चैलेंज था. इट वॉज अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर द एस्ट्रोलॉजर. द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड अ फ्यू इनकैंटनेशंस. इनकैंटनेशन मतलब सम मैजिकल साउंड, जैसे जाल तू जलाल तू, कुछ तो ऐसा बोला होगा उसके अंदर, ऐसा मन में कुछ जैसे इनकैंटनेशन मंत्र उसने बोले. एंड रिप्लाइड, ऑल राइट, अब उसने डिसाइड किया था अब बोलना इसको. ऑल राइट आई स्पीक, बट विल यू गिव मी अ रूपी इफ व्हाट आई से इज कन्विंसिंग. अब थोड़ा उसमें धैर्य आ गया था, थोड़ा साहस उसके अंदर आ गया था और उसने बोला, विल यू गिव मी अ रूपी इफ व्हाट आई से इज कन्विंसिंग. ही डिसाइडेड टू टेक द बेनिफिट ऑफ द सिचुएशन. एक रुपये लगेंगे मुझे, ही सेड, otherwise I'll not open my mouth and you may do what you like. एक रुपया लगेगा नहीं तो मैं मुंह नहीं खोलूंगा, he said. After a good deal of haggling मतलब bargaining, थोड़ा bargaining हुआ, आपस में बातचीत हुई, the other agreed. बोले ठीक है, the astrologer said. फिर बोला, you were left for dead, am I right? मतलब तुमको मरने के लिए छोड़ दिया गया था, तुम मरने वाले थे, बराबर है. फिर उसने बोला, टेल मी मोर, और बताओ. फिर वो कहता है, अ नाइफ हैज पास्ड थ्रू यू वंस, सेड द एस्ट्रोलॉजर. एक बार तुम्हारे शरीर में नाइफ घुस गया था, मतलब किसी ने तो तुमको चाकू से मारा था, बराबर है. गुड फेलो, he bared his chest to show the scar. बोला, उसने अपना ऐसा छाती ओपन करके उस दिखाया, हाँ देखो यहां पे वो जखम है, मुझे सही बात है, तुम सही बोल रहे हो, मुझे किसने मारा था छुरे से. What else? और बोलो. फिर एस्ट्रोलॉजर बोला, and then you are pushed into a well nearby in the field. और उसके बाद तुमको खेती में वहीं पे एक कुएं में धकेल दिया गया था. You are left for dead. अभी मरने के लिए छोड़ दिया गया था, ऐसा बोल रहा था. देन द स्ट्रेंजर सेज, आई शुड हैव बीन डेड इफ सम पासर बाय हैड नॉट चांस्ड टू पीप इनटू द वेल. बोलते हाँ सही बात है, मैं मर जाता अगर कोई पासर बाय मतलब गुजरने वाला, राह गुजरने वाला, हैड नॉट चांस्ड मतलब बाय चांस एक्सीडेंटली Deep into the well. अगर वो well में, उस कुएं में झांके नहीं देखता तो मैं मर जाता. Exclaimed the other, overwhelmed
by enthusiasm. Overwhelmed मतलब overpowered, excited. Enthusiasm मतलब उत्साह से भर गया था, क्योंकि अब उसको सही आंसर मिल रहे थे उसके, तो एकदम उत्साह से भर गया था वो. When shall I get at him? उसको लगा कि तुमको तो सब मालूम है अभी, मुझे वो कब मिलेगा? When shall I get at him? मैं उसको कब पकड़ूंगा? He asked, clenching his fist. और अपने आप ऐसे मुठ ऐसे पकड़ ली, ऐसा कस के पकड़ के बोला, कब मुझे मिलेगा वो? एस्ट्रोलॉजर बोलता है, इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, बोलता है अगले जन्म में. Answered the astrologer, he died 4 months ago in a far off town. तुम जिस इंसान को ढूंढ रहे हो उसको 4 महीने पहले उसकी मृत्यु हो चुकी है, दूर कहीं पे, far off town. You will never see any more of him. अब तुम उसको मिलोगे नहीं, अब तुमको कभी दिखेगा नहीं. The other groaned on hearing it. Groan मतलब a deep, to make a deep sad sound. वो groan किया. द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड, फिर एस्ट्रोलॉजर बोला, गुरु नायक, वो सामने वाला चौंक गया, वो बोला, यू नो माय नेम? तो अदर से टेकन अबैक सरप्राइज्ड, एक स्ट्रेंजर आदमी भविष्यवाणी करने वाला उसका नाम बता रहा था, तुम गुरु नायक हो, तो वो चौंक गया एकदम से. एज आई नो ऑल अदर थिंग्स, एस्ट्रोलॉजर बोला, मैं सब जानता हूं. गुरु नायक, listen carefully to what I have to say. Your village is 2 days journey due north of this town. यहां से 2 दिन लगते तुम्हारे गांव को जाने को, north में है. Take the next train and be gone. अगली ट्रेन पकड़ और निकल उधर से. I see once again great danger in your life if you go from home. I see once again a great danger. अभी भी तुम्हारे जीवन में एक खतरनाक घटना होने वाली है. टू योर लाइफ इफ यू गो फ्रॉम होम, अगर तुम घर से जाओगे ना, एक और ऐसी घटना, खतरनाक घटना तुम्हारे जीवन में होने वाली है, खतरा है तुम्हारे लिए. ही टुक आउट अ पिंच ऑफ सेक्रेड ऐश एंड हेल्ड इट टू हिम, उसने वो राख निकाली, उसके सामने पकड़ा. रब इट ऑन योर फोरहेड एंड गो होम, नेवर ट्रेवल साउथवर्ड अगेन, कभी दक्षिण दिशा की ओर कभी ट्रैवलिंग मत करना. एंड यू लिव टू बी 100, अगर दक्षिण दिशा की तरफ नहीं आओगे ना तो 100 साल तक जियोगे तुम, वो कहता है. व्हाई शुड आई लीव होम अगेन, द अदर सेड रिफ्लेक्टिवली, वो गुरु नायक बोला, रिफ्लेक्टिवली मतलब थॉटफुली, बोले मैं क्यों अभी गांव छोड़ के आऊंगा. आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम एंड चोक आउट हिज लाइफ if I met him. मैं तो इसलिए घूम रहा था ताकि वो मुझे मिले जिसने मेरे साथ ऐसा किया और उसका गला दबा दूं. इसके लिए मैं घूम रहा था. He shook his head regretfully. Regret मतलब पछतावा. उसको पछतावा हो रहा था. He shook his head regretfully. He has escaped my hands. बच गया मेरे हाथों से. I hope at least he died as he deserved. वो खतरनाक मौत मरा होगा, उसको बहुत पाप किए उसने. यस सेड द एस्ट्रोलॉजर, ही वॉज क्रश्ड अंडर अ लॉरी, जिसका तुम मर्डर करने वाले थे वो एक लॉरी के नीचे मतलब ट्रक के नीचे आके कुचला गया, वो बहुत खतरनाक मौत मरा हो. द ऑदर लुक्ड ग्रेटिफाइड टू हियर इट, ग्रेटिफाइड मतलब सेटिस्फाइड, चलो मरा तो बुरी मौत मरा, उसको अच्छा लगा. The place was deserted by the time the astrologer picked up his article and put them into his bag. Deserted मतलब nobody was there, कोई नहीं था वहां पे, और सब उसने अपनी चीजें रखी. The green shaft was also gone, leaving the place in darkness and silence. So there was darkness, there was silence, nobody was there. The stranger had gone off into the night. After giving the astrologer a handful of coins, उसने ऐसे coin हाथों में भर के उसको दे दिए और वो भी चला गया था stranger. It was nearly midnight when the astrologer reached home. His wife was waiting for him at the door. उसकी wife इंतजार कर रही थी and demanded an explanation. वो बोली, इतना लेट क्यों आया आज? She wanted an explanation. He flung the coins at her.
फ्लंग मतलब उछालना फेंकना एंड सेड काउंट देम वन मैन गिव ऑल दैट एक आदमी आया था उसने सारे कॉइन्स दिए और उसको मालूम है बीवी कब खुश हो जाएगी बहुत सारे पैसे दिए तो बीवी खुश हो जाएगी उसने बहुत सारे पैसे दिए बीवी को तो बीवी खुश हो गई उसने कुछ नहीं पूछा फिर लेट क्यों हुए क्या हुए बोलते एक आदमी ने दिए सारे पैसे मुझे 12.5 अनाज वो बोलता है 12.5 आना है ये वो बोली लेडी शी सेड काउंटिंग शी वॉज ओवरजॉयड पैसे देखकर खुश हो गए 12.5 आना मिल गए थे आई कैन बाय सम जैगरी एंड कोकोनट टुमारो जैगरी मतलब गुड कोकोनट जैगरी वो खरीदने वाले थे द चाइल्ड हैज बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मेनी डेज नाउ आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर तो पैसे आने के बाद द फर्स्ट थॉट दैट केम इन द माइंड ऑफ हर टू डू सम गुड स्वीट फॉर द चिल्ड्रेन द स्वाइन हैज चीटेड मी एस्ट्रोलॉजर को गुस्सा आया था अभी द स्वाइन यहां पे स्वाइन मतलब बैड पर्सन बुरा आदमी किसको बोल रहा था वो स्ट्रेंजर को उसको बोल रहा था कि वो जो है वो बुरा आदमी था अब स्वाइन का इतना सिंपल मीनिंग नहीं होता स्वाइन का मतलब होता है पिग अब हिंदी में क्या बोला होगा उसने बोला कि उस सुअर ने मुझे बेवकूफ बनाया ही सेड ही प्रॉमिस्ड मी अ रूपी वो बोला था 1 रुपये देगा 4 आने कमीज दिए उसने सेड द एस्ट्रोलॉजर शी लुक्ड अप एट हिम यू लुक वरीड व्हाट इज रॉन्ग बीवी ने पूछा क्या प्रॉब्लम है तुम चिंता कर रहे हो ऐसे लग रहा है Nothing, he said. After dinner, sitting on the pyaal, pyaal मतलब एक खाट जो पुराने जमाने में खाट बना थी तो लकड़ी की वगैरह उस पे बैठा He told her, Do you know a great load is gone from me today? Okay then, मेरे सिर पे से एक बहुत बड़ा बोझ आज कम हो गया I thought I had the blood of a man on my hands all these years. मुझे लग रहा था कि मेरे हाथ किसी आदमी के खून से रंगे हुए हैं मैंने एक मर्डर किया ऐसा मुझे लगता था अब तक मैं उस प्रेशर में था कि मैंने मर्डर किया मैं मर्डरर हूं ऐसा मुझे लगता था दैट वॉज द रीजन व्हाई आई रैन अवे फ्रॉम होम मैं घर से इसीलिए भाग के आया था कि मैंने मर्डर किया था ऐसा मुझे लगता था सेटल्ड हियर एंड मैरिड यू यहां पे आया यहां पे सेटल हो गया तुमसे शादी की यहां पे रहा ही इज अलाइव मैंने जिसका मर्डर किया ऐसा मुझे लगता था वो जिंदा है शी गैस्प्ड यू ट्राई टू किल हिम तुमने उसको मारने की कोशिश की ऐसा उसने पूछा यस इन आर विलेज व्हेन आई वाज अ सिली यंगस्टर मैं एक सिली यंगस्टर था बेवकूफ था मैं वी ड्रैंक मैं और वो अब ये वो कौन ये वो मतलब गुरु नायक था जिसका उसने मर्डर किया था ऐसे उसको लग रहा था जिसको उसने छुरा मारा था और इसीलिए गुरु नायक का चेहरे की तरफ देख के वो चौंक गया ये एस्ट्रोलॉजर था उसको कुछ भी नहीं मालूम था फिर भी सब बोलता है तुम गुरु नायक हो तुमको किसी ने छुरा मारा था और तुमको कुएं में फेंक दिया था तुम्हारा गांव इतनी दूर है सब 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 उसको बोलता है मतलब वो पहचानता है कि गुरु नायक है और उसी का मर्डर करने का इल्जाम उसने अपने सर पे लिया था और उसी के लिए वो इतना भाग के आया था और अब तक वो इसी गिल्ट में जी रहा था कि मैंने गुरु नायक का मर्डर किया है लेकिन जैसे उसने गुरु नायक को देखा सबसे पहले तो डर गया लेकिन वो भी होशियार था उसको मालूम था इस सिचुएशन में कैसे डील करना ही शोड प्रेजेंस ऑफ माइंड और प्रेजेंस ऑफ माइंड से क्या किया उसने गुरु नायक को बेवकूफ बनाया सबसे पहले तो उसे पैसे भी ले लिए उसको सारी भविष्यवाणी बता दी उसकी और दूसरा यह भी इंतजाम किया कि वो कभी बाहर ना निकले बोले कि तुम जाओ अभी क्योंकि इधर तुम्हारे लिए खतरा है कभी भी साउथ में ट्रैवलिंग मत करना मतलब अभी कभी वो जिंदगी में इसके पास नहीं आने वाला था सब इंतजाम करके रखा उसने और बोलता है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा था मेरे माथे पे जो किसी के खून का कलंक लगा था मैं खुद को कलंकित समझता था ऐसा समझता था कि मेरे हाथ किसी के खून से सने हुए रंगे हुए भरे हुए हैं आज मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गया मैंने किसी का खून नहीं किया
क्योंकि जिसका खून मैंने किया ऐसा मुझे लगता था वो तो जिंदा है, आज मैंने आंखों से देखा उसको, और ये भी इंतजाम कर दे कि उसके बाद कभी इधर आएगा नहीं, हो अब मुझे कोई चिंता नहीं है, ऐसा वो सोचता है। When I was a silly youngster, we drank, हमने पिया, we gambled, gambled मतलब जुआ खेला, and quarrel badly one day, और झगड़ा किया हम दोनों ने। फिर उसके बाद क्या हमको मालूम है, झगड़ा किया, किसने छुरा मारा, उसको मरने के लिए फेंक दिया और भाग के आ गया, और उसके बाद क्या हुआ गुरु नायक ने बताया हमको। ओके, Why think of it now? वो कहता है अब क्या सोचना उस चीज के बारे में। Time to sleep, उसने कहा। He said yawning and stretched himself on the pall, और आज सो गया आराम से उसकी चारपाई पे, निवान सो गया, उसके सिर से बोझ हट गया था। तो ये जो एस्ट्रोलॉजर्स का डे था, दैट वाज अ स्पेशल डे, क्योंकि उस दिन के बाद उसका सब कुछ बदल गया था, उसकी सोच बदल गई थी, उसका कलंक जैसे हट गया था उसके सिर से, ही वॉज रिलैक्स्ड। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द लेसन। यू कैन ट्राई गो थ्रू द ब्रेन स्टॉर्मिंग विच इज गिवन हियर, उसमें जो भी डाउट है ट्राई करो खुद, जिसमें जिसमें प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी, आई विल टेल यू व्हाट टू डू विद दैट। ओके, जय हिंद।